अच्छा एक और बात था ना कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द श्रोडिंगर इक्वेशन, वो भी अपन पहले पढ़ेंगे। रेडियोएक्टिविटी खत्म करके पहले अपन ये पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है? तो मोस्टली वो क्वेश्चन सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए होगा, मेंस वाले बच्चों के लिए उनका ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है ना? तो अपन वो एक बार देख लेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अपन। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, अपन क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में कुछ पॉइंट तो हमने डिस्कस किए ही हुए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में दैट इज, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, है ना? क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिफेक्ट, है ना? होता है ना मास डिफेक्ट, बिकॉज वी नो दैट ना बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ा, ठीक है? अगर किसी भी एटम में ना वन एटॉमिक मास यूनिट का मास डिफेक्ट होता है, वन एमयू, इफ डेल्टा एम इज इक्वल टू वन एमयू, तो उससे जो एनर्जी लिबरेट होता है ना वो 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अगर किसी एटम में, जैसे हमने कल लिखा था ना डेल्टा एम मास डिफेक्ट क्या होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था मास डिफेक्ट होता है सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, माइनस द मास ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियस, दैट इज मास डिफेक्ट। तो अगर मास डिफेक्ट वन एटॉमिक मास यूनिट है तो टोटल एनर्जी कितना लिबरेट होता है उससे, 931, वो इससे कैलकुलेट किया मैंने, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वन एएमयू मतलब मास, वन एएमयू कितना होता है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी, तो अगर उतना मास डिफेक्ट होता है तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट हो जाएगा। तो ये एक यूनिट है जो मतलब इक्विवेलेंट पार्ट है जो अपन को याद रखना चाहिए, और इससे अपन को ये पता चल जाएगा कि अगर वन एएमयू मास डिफेक्ट है तो कितना एनर्जी लिबरेट करेगा, ठीक है? तो ये वाला पार्ट तो अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज राइट ना मास डिफेक्ट, वो सारा पार्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। अब हम सेकेंड पॉइंट लिख रहे हैं, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है ना अपन उसको ऐसे कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एन बाय पी रेशियो, इससे एन बाय पी रेशियो, एन इज न्यूट्रॉन पी इज प्रोटॉन देयर, सो अपन लिखेंगे दैट इज न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशियो, तो अपन इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं एन बाय पी मतलब न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन रेशियो से, ठीक है? तो एन बाय पी रेशियो से कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस चेक। अब इसमें अपन लिखेंगे इफ, है ना, एन बाय पी इज इक्वल टू वन, देन इट इज अ स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है? इफ एन बाय पी इज नॉट इक्वल टू वन देन इट इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, एन बाय पी इज नॉट इक्वल टू वन देन इट इज अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस, ये होगा भाई आपके पास इफ एन बाय पी इज नॉट इक्वल टू वन देन इट इज अनस्टेबल। व्हाट विल से अप टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 20, मतलब कैल्शियम की बात कर रहे हैं आप, कैल्शियम, n by p is nearly 1,
the n by p remains almost constant, that is nearly 1. Almost 1 होता है. But as the atomic number increases, the increase in number of neutron is more as compared to increase in proton. Number of proton ज्यादा इसलिए increase होते हैं because एक छोटे से nucleus में बहुत ज्यादा positive charge को stabilize करने के लिए हमें neutrons की जरूरत पड़ती है. Last class में मैंने आपसे कहा भी था कि अगर कोई भी पार्टिकल 1 फर्मी या उससे कम डिस्टेंस पे है, 1 फर्मी इज 10^-50 मीटर्स, उससे कम डिस्टेंस पे है तो उनके बीच में अट्रैक्शन ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्जेस. सो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ही होगा अगर वो 1 फर्मी या उससे कम डिस्टेंस पे है तो. So up to atomic number 20, n by p is 1. But as the atomic number increases, the increase in number of neutron is more as compared to number of protons. अपन सबको बताए. कोई भी ऐसा एटम नहीं होगा जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं. So up to atomic number n by p is 1, but as the atomic number increases, the increase in number of न्यूट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू प्रोटॉन. द इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू प्रोटॉन टू स्टेबलाइज द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन Positively charged proton. ठीक है, to stabilize the positively charged proton. ठीक है, अभी we'll say that अगर number of neutron ज्यादा increase होगा proton के comparison में, तो प्रोटॉन अगर ज्यादा होगा न्यूट्रॉन अगर ज्यादा होगा प्रोटॉन से तो n by p रेशियो बढ़ेगा. सो n by p रेशियो इंक्रीज, तो क्या होगा n by p रेशियो बढ़ेगा क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ेंगे. इफ n by p ratio is greater than 1.5, जो कि बिस्मत के लिए होता है, एटॉमिक नंबर 83 onwards, 83 is बिस्मत, then the nuclei is highly unstable. Then the nuclei is highly unstable. And can emit alpha, beta, and gamma rays. ये अपन को दे सकते हैं अल्फा बीटा एंड गामा रेस. तो एन बाय पी रेशियो या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से ज्यादा होगा, राइट?
n by p is maximum for, is maximum for deuterium, right? हम deuterium के लिए बोल सकते हैं n by p maximum होगा किसके लिए? Deuterium के लिए. That is d जो होता है वो 2 और 1 होता है और इसमें अपन कहेंगे भाई 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर. ये एक एटॉमिक नंबर है और ये अपन लिख लेंगे दैट विल बी नॉट ड्यूटेरियम इट विल बी ट्रिटियम. तो 3 हो जाएगा. अब इसमें प्रोटॉन 1 होगा वेयर द p इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड n इक्वल टू हो जाएगा 2. तो देयरफॉर n बाय p इज इक्वल टू 2 बाय 1 हो जाएगा. तो मैक्सिमम हो जाएगा ट्रिटियम के लिए जिसके न्यूक्लियस में क्या होता है 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होता है. तो n by p will be equal to maximum for tritium. अगर deuterium लिखेंगे अपन इसको t लिख देते हैं अपन है क्योंकि tritium deuterium के लिए अपन d लिख देंगे और tritium के लिए t लिख देंगे. तो वो deuterium और tritium हो जाएगा. तो maximum will be for deuterium and tritium. Next we can write is The nuclei which contain magic numbers मैंने आपको बताए थे क्या होता है, are generally more stable as compared to other nuclei. The nuclei which contain magic numbers are generally more stable, which have neutron and protons. इसके नंबर्स को अपन फिर लिख देते हैं आर जनरली मोर स्टेबल. तो अपन ने ये लिखा था भाई 2 8 20 28 है ना 50 दैट इज 82 एंड दैट इज 114. और ये न्यूट्रॉन्स अपन ने लिखे थे ये तो ऐसे ही होते हैं और ये 126 होता है ये मैंने आपको बताया था. तो दीज आर जनरली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर न्यूक्लियस are more stable as compared to other nuclei. ये जनरली ज्यादा स्टेबल होता है. एक्चुअली होता क्या है आप देखोगे तो सारे के सारे जो होंगे वो इवन नंबर्स होंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया था ये भी डिफरेंट ये इसका फर्स्ट शेल है सेकंड शेल है थर्ड शेल है फोर्थ शेल है फिफ्थ शेल है लाइक दैट. तो ये भी शेल्स में होते हैं. अगर दोनों इवन नंबर्स हैं तो इसमें भी पेयरिंग होती है जैसे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग लिखा ना अप स्पिन डाउन स्पिन. तो अगर दोनों ही इवन नंबर हैं तो दोनों के स्पिन भी कैंसिल हो जाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल. तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में जिसमें दोनों ही इवन नंबर्स हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू वो जिसमें एक ऑड है और एक इवन है. सो स्टेबिलिटी राइट ना स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. तो अपन लिखेंगे अगर even proton even neutron they will be more stable than even proton odd neutron or odd proton and even neutron matlab dono mein se koi ek even ho to ye zyada stable honge as compared to dono hi odd ho jaye odd proton odd neutrons. क्योंकि ऑड नंबर होने से उनका स्पिन कैंसिल नहीं होगा. जैसे इलेक्ट्रॉन्स होता है ना ऐसे अप स्पिन और डाउन स्पिन ऑर्बिटल पे वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर ऑर्बिटल में होते हैं तो उनका स्पिन कैंसिल होना चाहिए. अगर स्पिन कैंसिल नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है विल से दैट अगर स्पिन कैंसिल नहीं होगा तो उनका स्टेबिलिटी कम हो जाता है जैसे एटम्स में भी होता है.
fully filled is more stable than partially filled. Yeah, fully filled is more stable than half filled, and half filled is more stable than partially filled because of the symmetry. Partially filled and half filled, they are having different stability because of the symmetry of the orbitals. Just your last time. So this is how we can write that, how the we can discuss the stability of the nucleus. So let us check, and we'll say that एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं, जैसे अपन ने यहां पर लिखा हुआ है, मैं इस वाले पॉइंट को हटा देता हूं। अब मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि भाई कैसे अपन स्टेबिलिटी बताएंगे कि कौन सा एमिशन होगा, बिकॉज अल्फा बीटा गामा एमिशन इसलिए होते हैं ताकि न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए। We'll say that if n by p is greater than 1.5, then the nucleus will become stable by alpha emission, then beta emission, then gamma emission. एक बार में एक ही टाइप का एमिशन होता है, पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा, जिसमें अल्फा एमिशन होगा उसमें बीटा और गामा कंपलसरी है। पहले अल्फा एमिशन होता है, फिर बीटा एमिशन होता है, फिर गामा एमिशन होता है, और एक बार में एक ही टाइप का एमिशन पॉसिबल है। तो अगर n by p रेशियो 1.5 या उससे ज्यादा, 1.5 से ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियाई अल्फा मिशन कंपल्सरी एमिट करेंगे टू बिकम स्टेबल। इफ n by p इज बिटवीन 1 to 1.5, देन it becomes stable by beta emission, then gamma emission. तो अगर कोई न्यूक्लियाई जिसका n by p रेशियो 1.1 से लेके 1.5 के बीच में है, वैसे 1.2 लिख लेते हैं पर इसको, क्योंकि 1.2 के पहले तक तो अपन उनको स्टेबल ही मानते हैं, उनमें कोई एमिशन की जरूरत नहीं है, they are stable. वेरिएशन कब आएगा, अनस्टेबल कब होंगे, जब 1.2 से बड़ा हो और 1.5 से छोटा हो, इट्स अनस्टेबल। और अगर 1.5 से ज्यादा है, हाईली अनस्टेबल। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, अगर n by p रेशियो का वैल्यू 1.5 से ज्यादा है तो हमें पहले अल्फा मिशन करना पड़ेगा, फिर बीटा करना पड़ेगा, फिर गामा टू मेक स्टेबल। और अगर 1.2 से छोटा हो गया तो अपन उसे अज्यूम कर लेंगे कि वो स्टेबल ही हो गया, बिकॉज वो स्टेबिलिटी जो 1 से लेके 1.2 तक होता है वो अनस्टेबिलिटी नेग्लिजिबल होता है, उसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी की बात नहीं करनी होती है। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट दैट अल्फा बीटा, एंड वी हैव सीन दैट अल्फा बीटा गामा एमिशन क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, वो अपन लास्ट टाइम सीखा था। अब मैं n by p रेशियो को एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है, व्हाट इज n by p रेशियो, अपन एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं ताकि मैं ग्राफ को बनाऊं। तो अब कहेंगे ठीक है भाई ग्राफ आप बता दीजिए, जैसे n by p रेशियो का ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ लिखेंगे n by p रेशियो का तो विल राइट लाइक, तो यहां पर मैं n लिखने वाला हूं, दैट इज अ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहां पर मैं p लिखने वाला हूं, दैट इज अ प्रोटॉन, ठीक है, यहां पर मैं p लिखने वाला हूं, दैट इज अ प्रोटॉन, प्रोटॉन p या एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं z, दैट इज अ नंबर,
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर फॉर एनी एलिमेंट. अब इसमें कोई स्केल नहीं बनाया मैंने, मतलब कैसे स्केल अपन को जरूरत नहीं है. जैसे अपन लिखेंगे भाई 20 एटॉमिक नंबर लाइक दैट, तो अपन बाद में लिख देंगे क्योंकि 20 तक आपने जो लिखा हुआ है अभी उसी को मैं ग्राफ में बताना चाहता हूं. तो एटॉमिक नंबर जीरो, एन बाय पी रेशियो अगर इक्वल होगा, एन और पी अगर वन होगा, तो वी नो दैट फिर ये स्ट्रेट लाइन होगा. सो हियर एन बाय पी इज इक्वल टू वन. जितना जैसे जैसे न्यूट्रॉन बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोटॉन भी बढ़ रहा है. सो एन बाय पी विल बी इक्वल टू वन फॉर दिस ग्राफ. बट व्हाट वी हैव डिस्कस कि भाई जैसे ही एटॉमिक नंबर 20 होता है तो 20 के बाद एन बाय पी रेशियो बढ़ना शुरू हो जाता है. तो पता ऐसे बता देते हैं. तो ये जो होगा दिस विल बी एन बाय पी ग्रेटर देन वन. और अगर इस लाइन से नीचे होगा, इस वाली लाइन से नीचे होगा, तो अपन कहेंगे एन बाय पी इज लेस देन वन. ये लाइन एन बाय पी इज इक्वल टू वन, इससे नीचे होगा तो एन बाय पी लेस देन वन, इससे ऊपर होगा तो एन बाय पी ग्रेटर देन वन. एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 विल हैव एन बाय पी ग्रेटर देन वन. मैंने इसको ना एक बेल्ट जैसे बना दिया. दिस इज 20, ठीक है ना. इधर आ गया तो राइट लाइक दिस, दिस इज 20, एटॉमिक नंबर 20, ये 40, 60, 80, लाइक दैट वी कैन राइट. ठीक है, दैट इज एटॉमिक नंबर्स, लाइक दैट वी कैन राइट. ठीक है ना, एटॉमिक नंबर्स. अब अपन क्या करेंगे, अपन बताएंगे. देखो भाई, एन बाय पी रेशियो अगर हम ऐसे लिखते हैं, सपोज इसको मैं थोड़ा सा ऐसे और स्केल बना दीजिए, बनाऊंगा वैसे थोड़ा सा इधर ना 83 के बाद वाला एन बाय पी थोड़ा ज्यादा होगा. अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई यहां तक तो आपने कहा कि एन बाय पी जो होता है वो नियरली 1 रहता है, और अगर 1.1 या 1.2 से छोटा है एन बाय पी इज वो उसमें वेरिएशन पर नेग्लिजिबल अज्यूम करके स्टेबल न्यूक्लियस अज्यूम कर लेते हैं अगर एन बाय पी 1.2 से छोटा है. अगर एन बाय पी का वैल्यू 1.2 से लेके 1. मान लो ये जो पार्ट है अपना, ये एक ऐसे ये एलिमेंट्स हैं ऐसे, बिकॉज एग्जैक्टली किसी एलिमेंट के लिए एन बाय पी इधर होगा, किसी के लिए इधर हो जाएगा, किसी के लिए इधर हो गया, किसी के लिए इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, ऐसे इधर लाइक दैट एन बाय पी रेशियो. मतलब ये एक बेल्ट में ही सारे एलिमेंट लाई करेंगे, वो इसलिए मैंने बेल्ट जैसे बना लिया क्योंकि ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है सभी के लिए. ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा कि एन बाय पी रेशियो सभी का ऐसे आ जाएगा. वो कुछ ऐसे होंगे, कुछ इधर होंगे तो कुछ इधर भी आ जाएंगे, कुछ इधर भी आएंगे, कुछ इधर भी हो गया, कुछ इधर भी होगा ऐसे. तो अपने कहा चलो भाई ठीक है, इसको एक बेल्ट में ले लेते हैं, उसमें तो सारे के सारे होंगे ना. तो अपने ऐसे वो बेल्ट मैंने इसकी ऐसे बनाया. तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई यहां से एन बाय पी ये जो ऐसे बना दिया था मैंने, तो यहां पर मैंने कहा एन बाय पी इज नियरली 1.2, एन बाय पी इज नियरली 1.2, और यहां पर मैंने लिखा एन बाय पी इज नियरली 1.5, नियरली 1.5, ये इतना हो गया यहां पर. तो इसका मतलब है ये वो एलिमेंट्स हो गए जिसमें बीटा एमिशन से हम उसे स्टेबल कर सकते हैं, और ये वो न्यूक्लियर हो गए जिनमें आपको अल्फा करना कंपलसरी है, ये अल्फा एमिशन शो करेगा, इसमें बीटा एमिशन शो करेगा. और अगर एन बाई पी लेस देन वन है तो फिर कौन सा एमिशन करेंगे, तो अपन कहेंगे अगर ये लेस देन वन है इसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन ज्यादा है और न्यूट्रॉन कम है, इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है. अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, एन बाई पी इज ग्रेटर देन वन. लेकिन अगर प्रोटॉन ज्यादा है और न्यूट्रॉन कम है तो एन बाई पी इज लेस देन वन. तो इसमें तो आपने बता दिया मुझे कि भाई अगर सपोज करते हैं एन बाई पी 1.5 से
ज्यादा है तो आपको अल्फा मिशन करना पड़ेगा, फिर बीटा मिशन होगा, फिर गामा मिशन के बाद स्टेबल हो जाएगा न्यूक्लियर। एन बाय पी अगर वन है तो विल से दैट इट विल बी अ स्टेबल न्यूक्लियर। इवन अगर 1.1 भी है तो भी अपन कहेंगे ठीक है इट इज अ स्टेबल न्यूक्लियर। लेकिन अगर रिलेटिव पूछोगे कि एन बाय पी इज वन एंड 1.1 बताओ ज्यादा स्टेबल, तो वन को ही बताओ। अगर एन बाई पी लेस देन वन है तो फिर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है और न्यूट्रॉन का नंबर कम है, हमें प्रोटॉन के नंबर को कम करना पड़ेगा, मतलब एटॉमिक नंबर को कम करना पड़ेगा। और एटॉमिक नंबर कम किससे होते हैं? पॉजिट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सो इफ एन बाई पी इज लेस देन वन देन एलिमेंट क्या करेगा? पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये कर लेगा। और अगर n by p 1.2 से ज्यादा है लेकिन 1.5 से कम है या 1.5 तक, इट इज बीटा एमिशन। तो आप हमें कोई एलिमेंट दे दो और फिर मुझसे पूछ लो कि भाई बताओ वो एलिमेंट कौन सा एमिशन शो करेगा टू गेट स्टेबलाइज, बता सकते हैं। सपोज मेरे पास, मैंने एक एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास ना यूरेनियम है, ये 92 होता है और ये 232 हो गया, ये 236 हो जाता है, 35 भी होता है, 32 भी होता है, 38 भी होता है, रेडियोएक्टिव 235 होता है जिससे बॉम्ब बनता है यूरेनियम, 238 ले लेता है। अपन से कहा गया बताओ ये मेरे पास है इसका n by p रेशियो कितना होगा, तो अपन कहेंगे बता देंगे भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं इसका n कितना आ गया, इसका p is equal to 92 है तो n will be equal to 238 minus 92, तो लिख लेते हैं भाई इससे माइनस कर देते हैं इसको। सो व्हाट आई गॉट, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आ गया अपने पास कितना 6 और 23 से 9 माइनस कर देते हैं तो 14 बच गया 146, सो इट विल बी 146 डिवाइडेड बाय 92। अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई 146 डिवाइडेड बाय 92 कहेंगे एक एग्जिट कैलकुलेशन चाहिए था अपन को, क्योंकि एग्जिट कैलकुलेशन से क्या होगा ना अपन को पता चलेगा भी करना क्या है। ये आ रहा है मेरे पास 1.58, नियरली 1.58 ज्यादा, ये 1.5 से ज्यादा है, इसका मतलब है इसमें अल्फा एमिशन होना कंपलसरी है। गॉट इट, क्योंकि 1.5 से ज्यादा। You got it, how to calculate the n-by-p ratio? मैं इसको थोरियम में कन्वर्ट कर लेता हूं, थोरियम इज 90 और ये होगा 230, प्लस करूंगा मैं हीलियम, दैट इज अल्फा पार्टिकल, व्हाट वी नो, अपन ने इससे तो पता चला अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो मैंने उसको माइनस कर लिया। अब मैं इसका n-by-p कर लेता हूं, प्रोटॉन इसका 90 है और न्यूट्रॉन इसका 232 माइनस 90 हो जाएगा, सो मेरे पास 2 आया, 142 हो गया। मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, सो दैट इज इक्वल टू 142 डिवाइडेड बाय 90 हो जाएगा। 142 डिवाइड बाय 90 करूंगा तो मेरे पास 142 डिवाइड बाय 90 आ गया मेरे पास। अभी मेरे पास आया 1. दैट इज 577 आया मेरे पास, 1.577 आया, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये थोड़ा सा ही स्टेबल हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बीटा एमिशन करना पड़ेगा। बीटा एमिशन से हम क्या करेंगे, इससे बीटा एमिशन भी निकलेगा, तो बीटा एमिशन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब अब सिर्फ ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो क्या होगा,
भाई बीटा मिशन में तो ये थोड़ी चेंज होता है, ये 232 थोड़ी चेंज होगा, इट विल बी ओनली 90 बिटवेयर विच विल चेंज। तो हम इसको इंक्रीज करेंगे अगर एटॉमिक नंबर को, सो थोरियम जो होगा अब वो इंक्रीज होगा, दैट इज 90 232, और इसमें अपन क्या करते हैं बीटा मिशन करते हैं। तो जैसे सपोज कर लेते हैं अपन की अपन ने कहा भाई मैं लेड पे कन्वर्ट कर लिया, 82 बना लिया और लेड इज 20। अब क्या होगा, तो अपन कहेंगे इसका एन बाई पी तो मुझे पता है, वो तो लिखा हुआ है, इसका एन बाई पी कर लेंगे, एन बाई पी विल बी इक्वल टू दैट इज 82 हो गया प्रोटॉन, और उससे 82 माइनस कर लेते हैं, तो इससे 82 माइनस करेंगे तो अपने पास 126 आएगा। तो मेरे ख्याल से अपना n by p जो है वो नियरली 1 के आसपास आ गया, 1.2 से छोटा आ जाना चाहिए। तो 126 डिवाइडेड बाय 82 है ना, 126 आ रहा ना, 208 माइनस 82 माइनस 82 126 और 126 डिवाइड बाय 82 इट इज 1.53। अब अगर 1.53 आएगा तो ये नियरली स्टेबल हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब उससे काफी चेंज आ गया, 1.57 से 1.53 ये भी बहुत डिफरेंस होता है। 1.53 से जैसे ही मतलब ये 1.5 के आसपास आया, इट बिकम स्टेबल, लेड पे आके क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो लेड से पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अल्फा मिशन शो नहीं करेंगे, लेड से पहले वाले। मैंने आपसे कहा था इट इज एटॉमिक नंबर 83 के बाद वाले या 83 ऑनवर्ड्स दे विल शो अल्फा मिशन, इसलिए मैंने 82 का एग्जांपल लिया कि 80 अगर 83 ऑनवर्ड्स आपने लिखा कि वो अल्फा मिशन शो करेंगे ही करेंगे, तो व्हाट अबाउट 82? 82 मतलब दिस बिकम्स दैट मच स्टेबल कि इससे सिर्फ बीटा मिशन। तो अभी भी अपन को अल्फा करना चाहिए था, अभी भी अल्फा क्यों करना चाहिए, बिकॉज अभी भी आपके पास 1.53 है, तो मैं सिर्फ बीटा कर दिया उसमें, मतलब अभी भी इससे आपको अल्फा पार्टिकल्स ही बताने चाहिए थे कि इससे लेके इस तक, क्योंकि अभी भी 1.53 आ रहा ना, अल्फा पार्टिकल ही बताने थे कि अल्फा पार्टिकल कितने 90 से ही आए अपने पास, तो अपन को इसमें चेंज करना चाहिए था दैट इज अल्फा पार्टिकल्स का, तो इसमें भी अल्फा पार्टिकल्स आ रहे होंगे क्योंकि आप ये भी चेंज कर रहे हो ना। तो अल्फा पार्टिकल से क्या होता है कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, बीटा पार्टिकल से बहुत ज्यादा चेंज आता है, राइट? तो अपन इसमें अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे अगर, तो ये लेड पे टर्मिनेट हुआ तो कितने अल्फा पार्टिकल हो गए इसमें, तो अपन को कैलकुलेट करना आता है क्योंकि मैंने ये भी चेंज किया, ये भी चेंज किया। अब ये चेंज किया तो मेरे पास अल्फा पार्टिकल में कितना आ गया अपने पास, ये 232 माइनस 8 24 डिवाइड बाई 4 6 अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अब लेड के बाद जो भी होगा उसमें क्या होगा, ये बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा एटॉमिक नंबर, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है फिर तो n by p रेशियो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा और 1.5 से छोटा हो जाएगा। तो आप देखो जब तक मैंने बीटा मिशन किया अल्फा मिशन किया ना, उसमें 1.5 से छोटा नहीं हो रहा, जब तक मैं अल्फा मिशन कर रहा हूं ना 1.5 से छोटा नहीं हो रहा। 1.5 से छोटा कब होगा, जब आप इसको कांस्टेंट रखो और सिर्फ इसको बढ़ाओ तो ड्रास्टिकली चेंज होगा, और वो कब होता है, बीटा एमिशन। तो अगर हम बीटा एमिशन करेंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये नंबर बढ़ेगा बाकी नहीं बढ़ेगा, बीटा एमिशन कर दैट विल हैव, और बीटा एमिशन में ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अपन इतना बड़ा ऐसे कंपाउंड्स ना लेके छोटा छोटा रिएक्शन देखते हैं कैसे अपन ने उसको पढ़ा और अपन से कैसे पूछेंगे, ऐसे एक दो बड़े रिएक्शन भी लेंगे नो डाउट। पहले अपन ने ये रिएक्शन लिया हुआ है वैसे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए, कितने अल्फा पार्टिकल कितने बीटा पार्टिकल, इससे एन बाई पी से अपन को बस ये याद रहेगा कब बीटा कब अल्फा कब इलेक्ट्रॉन कैप्चर और कब पॉजिटिव डोनेशन, ग्राफ से अपन को इजीली याद रहेगा। अब अपन चेक करते हैं छोटा छोटा रिएक्शंस। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस लिखते हैं अपन जिनसे अपन अल्फा और बीटा एमिशन इजीली बता पाए, ठीक है ना, इनसे भी बता देंगे अपन लेकिन इजी रिएक्शन लिखते हैं जो अपन ने पढ़े।
अब देखो होता क्या है, जैसे इसको फिर ऐसे भी बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन, और बाद में फिर अपन इसको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। पहले अपन आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, मैं यहां पर लिख लेता हूं है ना, ताकि आपको बता रहे। अगर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, अपन इसको एच भी लिख सकते हैं प्रोटॉन को, तो आपको कंजर्वेशन फॉलो करना पड़ेगा। आपको पता है यू हैव टू इमिट द बीटा पार्टिकल, ये बैलेंस करना होता है ना, वन लेफ्ट हैंड साइड पे तो वन प्लस जीरो उधर भी बन है, ये जीरो है तो वन माइनस वन उधर भी जीरो होता है, ये बीटा एमिशन। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूं प्रोटॉन को अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है तो फिर अपन कहेंगे इसमें या तो आप पॉजिट्रॉन एमिशन शो करो, दिस इज बीटा पॉजिटिव, अल्फा तो अपन को पता है, आप सीधा सीधा न्यूक्लियाई को तोड़ते हो ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं तो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो ऐसे होगा, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये अपन को पता ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं ऐसे, अब अपन क्या करेंगे ना, इसमें अपन लिखेंगे, आपको याद होगा कि हाउ वी हैव डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया था, रेडियो एक्टिविटी से। हमने क्या किया था, बेरिलियम शीट लिया था और उसको हमने बॉम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल, हमने उसको बॉम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल्स। जब हम इसको अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया था इस शीट को, वो शीट को अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया उससे, तो वो शीट किस में कन्वर्ट हो गया, बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा बेरिलियम, तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया था ठीक है ना, और कार्बन में कन्वर्ट हुआ तो ये कार्बन 12 और कार्बन 6 बन गया प्लस। अब इसमें क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन भी निकला एंड दैट इज हाउ वी डिस्कवर्ड, हमने ये जो रेडिएशन निकल रहे थे ना न्यूट्रॉन इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, हमने इन रेडिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा नो डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब है कि इनमें चार्ज नहीं होता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब दे आर न्यूट्रॉन। सो हमने बेरिलियम को कार्बन में कन्वर्ट कर लिया, मतलब किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो सारा का सारा आयरन गोल्ड में कन्वर्ट कर दो क्योंकि हमें गोल्ड की बहुत जरूरत पड़ती है, कर सकते हम सारे आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो कन्वर्जन का कॉस्ट आएगा वो बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और उसमें आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमें अल्फा और बीटा दोनों ही एमिशन करवाने पड़ेंगे और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, मतलब अभी जो 10 ग्राम गोल्ड अब तो काफी ज्यादा महंगा हो गया, इट इज अराउंड 70,000, दैट विल कॉस्ट अस, अभी 70 है तो दैट विल कॉस्ट अस 10 ग्राम 5 लैक्स, तो उससे अच्छा जैसे है वैसे लेना चाहिए, तो सारे आयरन कन्वर्ट कर देंगे, हाँ तो हर एक आयरन का कन्वर्जन का कॉस्ट भी तो होगा 1 ग्राम का, अगर हम 1 AMU इज इक्वल टू 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को चेंज करने के लिए मुझे इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज करना पड़ेगा, तो एक ही एटम गोल्ड का 56 AMU होता है, आयरन का 56 AMU होता है, मुझे इसको 56 से मल्टीप्लाई करके इतना एनर्जी देना पड़ेगा, सो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, दैट वाज द रीजन, अब नहीं करते, बट आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन से अपन ये बोल सकते हैं
कि मैं एक एलिमेंट थ्योरेटिकली तो बोल ही सकते हैं ना, मैं किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कन्वर्जन को अपन कहेंगे, बेरिलियम को मैंने कार्बन में कन्वर्ट किया, तो अपन क्या कहेंगे, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा अगर ये एलिमेंट से हीलियम एब्जॉर्ब करके न्यूट्रॉन एमिट करेगा तो इसमें ग्रुप जो है वो सेकेंड ग्रुप से इसमें फोर्थ ग्रुप में वो हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा एलिमेंट, अगर ये प्रोसेस होता है। तो एमिशन से या एब्जॉर्प्शन से या बॉम्बार्डमेंट से एलिमेंट्स का, अगर एलिमेंट का नेचर चेंज होगा या एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा तो पीरियोडिक टेबल में उसका ग्रुप शिफ्ट भी होगा। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, अगर उसका एटॉमिक नंबर कम हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को इसको अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई देखो दिस इज अल्फा एंड न्यूट्रॉन, मतलब जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और जो बाद में लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड पे होगा। तो अगर मान लो मुझे कोई क्वेश्चन ऐसे देते हैं आप, भाई मुझे अगर ऐसे दिया आपने कि बेरिलियम है 9 and 4+, इसमें ऐसे बना दिया और कार्बन 16 and 12 और ऐसे लिखा हुआ है, ये तो अपन बैलेंस कर ही सकते हैं क्योंकि ये 6+0 विल बी इक्वल टू इधर ना 2 गायब है, क्योंकि ये भी बैलेंस होना चाहिए ना, 4+2=6, 6+0=6। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई इसमें ना कार्बन लिखा हुआ है ये 0, तो ये 6 होना चाहिए, और यहां पर 12+1=13 है और यहां पर 9 है, मतलब यहां पर जो भी एलिमेंट है उससे 4 और 2 गायब है, तो बता देंगे दिस इज नथिंग बट ये हीलियम होता है। विल गेट दिस। तो इस टाइप से, और अगर मान लो ऐसे लिखा होता, मतलब इफ इट इज लाइक दिस वी कैन राइट दैट, ये अपन फिल इन द ब्लैंक्स बता सकते हैं कि भाई यहां पर हमें क्या लिखना था, ये ब्लैंक था तो अपन को पता है कि यहां पर मुझे हीलियम लिखना था, ठीक है। और अगर ऐसे गिवन होता, मान लो मेरे पास गिवन है बेरिलियम 9 and 4 प्लस ये डैश है और इसको मैं कार्बन 6 और 12 लिखता हूं प्लस ये भी ब्लैंक है और इसमें अल्फा और एन लिखा होता, तो अपन कहते हैं फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप खुद ही बता रहे हो अगर ब्रैकेट में ऐसा लिख के दे रहे हो तो, कि इस तरफ अल्फा लिखना है और दूसरी तरफ न्यूट्रॉन लिखना है, बस रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए अपन को। तो अपन कहेंगे भाई मैं खुद ही लिख दूंगा यहाँ पर अल्फा, मुझे पता है ये ऐसे होगा और यहाँ पर न्यूट्रॉन इधर है, लो भाई हो गया हमारा काम। तो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं अपन को। एक तो अपन से पूछ सकते हैं कि आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन में अगर ये ब्लैंक गिवन है तो बताओ, ये दोनों गिवन है और ये गिवन है तो कंजर्वेशन से अपन बता देंगे यहाँ क्या होना चाहिए, और यहां पर भी अपन बता सकते हैं कि भाई यहां पर क्या होना चाहिए और यहां पर क्या होना चाहिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अपन को पता है आप क्या करने वाले, ठीक है। फिर तो दूसरा लिखते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है ना, मान लो मेरे पास ऐसे और मैं आपको लिखता हूं कि भाई ये मेरे पास 7 है और ये 14 है और यहां पर मैंने एक ब्लैंक लिखा और मैंने आपको कहा ये कार्बन 14 में कन्वर्ट होता है और एक ऐसे लिखा और मैंने आपको बता दिया कौन से पार्टिकल है, तो आपको सिर्फ वहां पर सब्स्टिट्यूट करने है और एक बार आपको चेक कर लेना है कि क्या ये सबस्क्रिप्ट जो है और सुपरस्क्रिप्ट जो है वो बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैंने आपको ऐसे ऐसे, तो आपको पता चल गया आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हो, आप यहां पर न्यूट्रॉन लिखोगे और वहां पर आप प्रोटॉन लिखोगे, बैलेंस है दोनों साइड, ये तो बड़ा इजी है। आप ऐसे लिख के तो दोगे फिर बचा ही क्या उसको लिखने के लिए, तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपन से पूछेंगे ऐसे, अगर कोई भी लिख सकता है तो वी आर एबल टू टेल कि हमें क्या लिखना चाहिए। फिर सपोज हमारे पास ऐसे गिवन है, मैं एक दूसरा लिखता हूं, सपोज मेरे पास गिवन है सोडियम ऐसे और यहां पर एक पार्टिकल लिखता हूं और यहां पर लिख देता हूं सपोज दैट इज एल, ये सपोज लिखते हैं 27 और यहां पर लिखता हूं मैं सपोज 30,
प्लस कर, ठीक है। तो मैं इसको 26 तो बताओ क्या लिखेंगे अगर अपन में ब्रैकेट, अगर नहीं भी मैं ब्रैकेट में अगर नहीं भी लिखता हूं तो आर बी एबल टू टेल कि अपन को क्या लिखना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। अपन को क्या लिखना चाहिए कि बैलेंस हो जाए, तो अपन कहेंगे दिख तो रहा है यार इसमें एटॉमिक नंबर 2 का चेंज हो रहा है, और एटॉमिक नंबर तो चेंज तभी हो सकता है जब अपन इंक्रीज हो रहा है ना, तो अपन कहेंगे भाई यहां पर ना हीलियम लिख दो क्योंकि मास भी चेंज हो रहा है। अगर मास में चेंज आ रहा है तो हीलियम के अलावा कुछ नहीं हो जाएगा, तो अपन कहेंगे और वो भी मास में काफी चेंज आ रहा है, तो अपन कहेंगे देखो हीलियम लिख देता हूं अल्फा पार्टिकल 11+2 13 हो गया। मतलब यहां जो पार्टिकल आएगा उसमें एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, और 23+4 7 27 तो अपन कहेंगे 26 तो है। मतलब जो भी पार्टिकल लिखो उसमें सुपर स्क्रिप्ट में 1 होना चाहिए और सब स्क्रिप्ट में 0 होना चाहिए, बैलेंस हो गया। मैं बता दिया ये अल्फा और न्यूट्रॉन था, ये लो वी गॉट। तो इस टाइप से अगर हमें कोई भी एलिमेंट देते हैं वो, तो वी आर एबल टू टेल कि हमें क्या करना है। अगर ये लिख के दिया है तब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे लिए, अगर ऐसे लिख के देते हैं तो अपन कैसे बताएंगे कि कितना अल्फा पार्टिकल कितना बीटा पार्टिकल, इससे अल्फा एमिशन होगा या बीटा एमिशन होगा, वो कैसे बताएंगे। अल्फा बॉम्बार्डमेंट से एलिमेंट का नेचर चेंज होगा हमेशा, तो अगेन जैसे यहां पर था एटॉमिक नंबर 7 से 6 बना, मतलब एक ग्रुप पीछे शिफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया पीरियोडिकली। लेकिन अगर सोडियम से एल्युमिनियम बनाओगे तो आप कहोगे कि 2 ग्रुप राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया पीरियोडिकली, लाइक दैट वी कैन डू। तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है ना, इसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अगर ये पार्ट आपको गिवन होगा इट्स वेरी इजी, नहीं गिवन है तो ब्लैंक को कैसे अपन बैलेंस करेंगे वो कि कौन सा पार्टिकल हमें कब लिखना। अगर मान लो मेरे पास एक पार्टिकल ऐसे गिवन है, अपन एक और लिखते हैं अपन ऐसे। अब अपन अननोन की बात करते हैं, मेरे पास एक पार्टिकल आपने ऐसे, आपने कहा मेरे पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल में आपने कहा कि भाई मेरे पास लेना ऐसे था, दैट इज सपोज इसका एटॉमिक नंबर मैंने 12 लिख दिया और इसको मैं 23 लिख दिया, इसको मैंने ब्लैंक लिखा, अब मैंने एक वाई पार्टिकल लिखा और मैंने आपसे वाई पार्टिकल में सपोज दिस इज मैंने लिखा आपको दैट इज 24 और मैंने ये 13 कर लिया आपको और यहां पर मैं ऐसे That is 20. और ये 12 से 13 होगा। तो मैं क्या करूंगा इसमें, अब मुझसे पूछा गया कि बताओ ये और ये पार्टिकल क्या होनी चाहिए, तो अपन तो इसमें भी करके दिखा सकते हैं भाई क्या होगा, और अगर ब्रैकेट में लिख दिया तब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर बचा ही क्या मुझे लिखने के लिए। अपन क्या करेंगे, अब अपन दिमाग लगाएंगे, ये बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर और इसमें चेंज नहीं आ रहा, तो ये तो अल्फा है, अल्फा तो नहीं है, ये तो पक्का हो गया। अब अपन कहेंगे कि भाई देखो एटॉमिक नंबर बढ़ाना है मतलब बीटा एमिशन टाइप कुछ करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इसको स्ट्राइक करके फिर चेंज करना है। अगर सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता तो अपन कहते बीटा एमिशन हो गया, खत्म हो गया, लेकिन इधर कोई पार्टिकल को इस पे स्ट्राइक करना है और फिर उससे चेंज लाने है, मतलब बैलेंस करना है, तो मैं ऐसे करूंगा। इधर जो जो भी आप पार्टिकल लिखोगे ना उसमें ये 1 होना कंपलसरी है, क्यों, ये 1+12=13 हो जाता है, और अगर इसमें 1 होगा तो मेरे पास कोई पार्टिकल मतलब ऐसे नहीं कर सकते फिर कि प्लस हो और जीरो हो,
अगर मैं इसको ऐसे करता हूं भाई, अपने इलेक्ट्रॉन एमिशन, एमिशन तो का ही है, लेकिन ये पॉजिट्रॉन एमिशन राइट हैंड साइड पे होगा ना, क्योंकि वो एमिशन है, अपन को तो कैप्चर करना था, ये तो ठीक बात। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे यार साफ साफ दिख तो रहा है, आपको एक पार्टिकल ऐसे चाहिए, लो हो गया, प्लस वन 13, 23 प्लस वन, वन को एक बैलेंस करना है ना ऊपर, कर दो ये लो बैलेंस हो। और अगर ब्रैकेट में लिखा होता कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये हमारे लिए तो बड़ा इजी हो जाता, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी हमारे लिए तो। तो पहले से चेक करके बता रहे। वैसे मोस्टली क्वेश्चन में ना या तो ये गिवन होता है, या फिर इन दोनों में से एक पार्ट अपन को गिवन होता है, एक ही बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन अपन तो दोनों बैलेंस कर लेंगे, हमें क्या करना पड़ता। दिस इज आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना, और वो कभी भी ये नहीं बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट, वो एक्स और वाई या ए और बी इस टाइप से ही पूछेंगे। सो दिस इज अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। अब इसमें एक और पार्ट अपन पढ़ लेते हैं, छोटा सा पार्ट, जैसे वैसे तो छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हैं अपन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, उसको देखते हैं। अब पहले अपन पढ़ लेते हैं भाई न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो फ्यूजन का मतलब है दो छोटे को फ्यूज करके एक बड़ा बना देना, फ्यूज कर देना, और फिजन मतलब ब्रेक हो जाना, फिजन, फ्यूजन, दो को मिक्स करके एक बना देना, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। तो लेट अस चेक व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन होता है द फिनोमेना, फिनोमेना इन विच अ हैवियर न्यूक्लियर ब्रेक्स इनटू द लाइटर न्यूक्लियर, हैवियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर ब्रेक्स इनटू इनटू द लाइटर न्यूक्लियर। उसको कहते हैं अपन न्यूक्लियर फिजन। जब ये हैवियर न्यूक्लियर स्मॉलर न्यूक्लियर ब्रेक करेगा लाइटर न्यूक्लियर में, स्मॉलर न्यूक्लियर में, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। द सम ऑफ द मास, the mass of lighter nucleus is always less, always less than the mass of heavier nucleus, the mass of heavier nucleus. ठीक है, मतलब जब वो ब्रेक होगा तो जो दो न्यूक्लियर बनेंगे ना, उन दोनों न्यूक्लियर का मास का सम हमेशा कम होता है जो बड़ा न्यूक्लियर था उससे, जिससे ब्रेक होकर गया। तो मतलब इसका मतलब कुछ तो मास में डिफेक्ट आ गया, मास में कम हो गया ना मास, मतलब पहले मान लो 50 था, अब मान लो ये 49 हो गया, तो फिर वन यूनिट कम हो गया ना मास। वो वन यूनिट कहां है, तो दैट इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, that energy is called nuclear fission energy. The difference in mass, in mass in form of energy is called energy is called nuclear फिजन एनर्जी। इस एनर्जी को अपन कहेंगे न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। और अगर ये मास डिफरेंस वन एटॉमिक मास यूनिट भी होगा
अगर ये न्यूक्लियर फिजन एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, वो अगर वन एटॉमिक मास यूनिट भी होगा तो कितना एनर्जी लिबरेट हो जाएगा? 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन, और वो बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल लिखे तो यूरेनियम है जो न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन जो है, यूरेनियम बॉम्ब जो होता है वो कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन करके अपन उसको कैसे एनर्जी लिबरेट करते हैं वही देख लेते हैं। यूरेनियम 235 रेडियोएक्टिव होता है, इसमें अपन एक स्लो न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो ये यूरेनियम 236 बनेगा, बॉम्बार्डेड विद स्लो न्यूट्रॉन। Bombarded with slow neutron. इससे बॉम्बार्ड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, ये जो बनेगा ना ये अनस्टेबल हो जाएगा। वो रेडियोएक्टिव होता है, इसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करेंगे, बॉम्ब के अंदर अपन ने ये भर के रखा हुआ है। जब हम बॉम्ब को ट्रिगर करते हैं तो एक ट्रिगर से वो क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो होता है दूसरे चैम्बर में, और न्यूट्रॉन होता है हमें न्यूट्रॉन को निकालना, उसके चैम्बर में उसको पिन निकालना होता है न्यूट्रॉन का। वो न्यूट्रॉन का पिन निकालोगे तो इसको स्ट्राइक करेगा, ये बना देगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये ब्लास्ट होगा तो मेनली ये बेरियम बनाएगा, क्रिप्टॉन बनाएगा और न्यूट्रॉन बनाता है, मतलब वापस न्यूट्रॉन आते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप क्रिप्टॉन तो We know that what it is, 36 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो अपन कहेंगे 36 इधर तो जीरो रहेगा, 3 × 0 तो अपन 92 से 36 माइनस कर देते हैं, सो 12 आ गया अपने पास, 6 आ गया अपने पास, 8 × 3 = 56, मतलब ये 56 होगा। बेरियम जो होता है वो वन अनस्टेबल होता है, 144 होता है। ठीक है भाई, अगर ये आप मुझे जैसे आपने ये बताया था तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया था, आपने ये बताया तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा कैसे, ये 3 न्यूट्रॉन्स हो गए तो 3 + 144 = 147 और टोटल मास कितना था 236, माइनस कर देता हूं तो इसका मास आ गया, तो आ गया ना 12 × 4 = 8 हो गया। ये लो भाई, This is how the nuclear fission takes place. अब यहां पर जो एक न्यूट्रॉन निकलेगा वो न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, अगेन वो इससे बॉम्बार्ड करेंगे, क्योंकि अब हमें एक ही न्यूट्रॉन की जरूरत थी, उसके बाद तो हमारे पास चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉन खुद ही जनरेट होता है। This is called nuclear fission. Similarly, we can write the nuclear fission and nuclear fission. So, अब nuclear fusion की बात कर लेते हैं भाई। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या करोगे आप, तो अपन कहेंगे भाई देखो, जैसे आपने एक न्यूक्लियर को छोटे न्यूक्लियर में ब्रेक किया, मैं दो छोटे न्यूक्लियर को ब्रेक करके मैं दो छोटे न्यूक्लियर को कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियर बनाऊंगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जैसे उसमें लिखा हैवियर न्यूक्लियर ब्रेक, अपन कहेंगे लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियर, द मास ऑफ द लाइटर न्यूक्लियर विल बी ऑलवेज मोर देन द मास ऑफ हैवियर न्यूक्लियर फॉर्म, द डिफरेंस इन मास, न्यूक्लियर फिजन एनर्जी। सो द फिनोमेना ऑफ Phenomenon in which
द लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन. इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं. द सम ऑफ द मास मास ऑफ न्यूक्लियर फॉर्म्ड द मास ऑफ न्यूक्लियर फॉर्म इज लेस देन मास ऑफ द सम ऑफ द मास ऑफ लाइट न्यूक्लियर. So the mass of the nuclei formed is less than the sum of mass of lighter nuclei. This difference in mass in form of energy is called nuclear fusion energy. This difference in mass in form of energy in form of energy is called nuclear fusion energy. है ना, इसको अपन क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी बोल देंगे. ये न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, ठीक है ना. तो अपन कहेंगे आप बताओ उनको कैसे, मतलब मैं करना पड़ेगा तो लाइटर न्यूक्लियाई को देखते हैं अपन. ऐसे अगर मेरे पास, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने ना चार हाइड्रोजन ले लिए और इन हाइड्रोजन से मैंने हीलियम बना लिया, तो बताओ मुझे क्या लिखना पड़ेगा. तो अपन कहेंगे 4 into 1 तो बैलेंस कर लिया, इधर 4 into 1 ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो. तो सुपरस्क्रिप्ट ऊपर वाला तो बैलेंस है, नीचे वाला बैलेंस करना, तो मुझे ऐसा पार्टिकल चूज करना पड़ेगा जिसमें अपन को सबस्क्रिप्ट में बैलेंस है. सो 2 into 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया. व्हाट इज दिस पॉजिट्रॉन. तो यहां पर पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, ये कितना एटॉमिक मास यूनिट होगा कैलकुलेट कर लेंगे ना. ये इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही तो होता है, बट इट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियस से निकलता है ये. अगर ये इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर एनर्जी लिबरेट होगा इसमें. That is emission. This is the process which is taking place in the sun. Sun mein hydrogen gas hai. Aur burn ho ke helium mein convert ho raha hai. Liberating huge amount of energy. Sun ka surface temperature to apko pata hai 6000 degree centigrade. Lekin jaise jaise apan andar jaate hain wo temperature badhta jata hai. And the temperature becomes almost 10 की पावर 7 केल्विन, मतलब 10 मिलियन केल्विन, जहां पर ये प्रोसेस होता है. दूसरा भी लिख सकते हैं, बन कहेंगे मेरी मर्जी, ये तो सन का प्रोसेस बताया आपने, तो अपन इसको ऐसे बोल देते हैं. मैंने कहा मेरे पास ड्यूट्रियम है, ये 2A1, ये भी डी है, ये भी 2A1. तो इसमें इसमें अपन कहेंगे भाई इसमें हीलियम बनेगा और ये 2 हो गया. अब तुम देखो इसमें तो बैलेंस आ रहा है, ये 2+2 4, ये 1+1 ये 2, तो अब कुछ नहीं होगा. नहीं, पर आपने फ्यूजन किया है, ये तो पक्का होगा लेस देन द मास ऑफ दिस. वो कैसे पता चलेगा, इंडिविजुअल ऐड करके देख लो ना, मास डिफेक्ट पड़ा तो अपन ने
इसमें एनर्जी लिबरेट कम होगा लेकिन एनर्जी लिबरेट होगा एंड दोस इन फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशंस, वो तो बैलेंस कर ही सकते हैं, एनर्जी भी तो कंजर्व करेंगे, दैट इज गामा रेडिएशन, तो यहां भी लिबरेट होगा। अगर मैं ऐसे लिखता कि भाई सपोज मैं कहता हूं आपसे, नहीं मैंने ना एक ड्यूट्रियम ले लिया और दो हाइड्रोजन ले लिया, तो अपन कहते हैं देखो भाई अगर आप दो हाइड्रोजन लोगे तब मुझे ऐसे लिखना पड़ता है, ये टू प्लस ये टू इंटू टू थ्री हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया, फोर और ये वन इंटू टू ये तो बैलेंस है, ये लेकिन बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि इस तरफ ये थ्री है बिकॉज ये वन और ये टू इंटू वन टू हो गया, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इधर बैलेंस करो ये अभी बैलेंस हो गया। तो जब भी आप लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन करोगे तो फ्रॉम अ हैवियर न्यूक्लियाई रेडिएशंस तो हमेशा निकलते हैं। दिस इज द प्रोसेस व्हाट वी यूज्ड टू डू विद द हाइड्रोजन बॉम्ब। प्योर हाइड्रोजन तो नहीं ले सकते लेकिन अपन उसमें एक लीड दैट इज हम ड्यूट्रियम ले लेते हैं और हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो इसको अपन हाइड्रोजन बॉम्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, और ड्यूट्रियम भी काफी अनस्टेबल होता है, ट्रिशियम जैसे ही ऑलमोस्ट, क्योंकि दे आर आइसोटोप्स, तो अपन क्या करते हैं उनको ना प्योर नहीं लेते हैं, वो कंपाउंड जैसे लेते हैं। अब वो बॉम्ब बनाने वाला पार्ट हटाते हैं, उसकी बात ही नहीं करते, अपन तो कहेंगे इनको कंबाइन करके हम ये बना सकते हैं। अब चलो कंबाइन करके अपन देंगे ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा, लेकिन इनको आपस में फ्यूज करना इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि इनको आपस में फ्यूज करने के लिए मुझे कम से कम 1 मिलियन केल्विन टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? 1 मिलियन केल्विन। हमारे पास कोई चीज ऐसी नहीं है जो इतने टेम्परेचर को होल्ड कर सके, 1 मिलियन टेम्परेचर को कोई होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए हम हाइड्रोजन बॉम्ब बना के नहीं रख सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए मुझे फ्यूज करना होगा उसे, और फ्यूज करके उसे स्टोर करना होगा, जो हम नहीं कर सकते। तो फिर तो अपन कहेंगे भाई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम कर तो सकते हैं लेकिन जहां करेंगे वहां से भाग जाएंगे, इसको तो मैं स्टोर कर सकता हूं, क्या करूंगा इसको बॉम्ब में रखा और न्यूट्रॉन का एक अलग चैम्बर बना दिया कि भाई न्यूट्रॉन जब हम उसको ट्रिगर करेंगे तो ही न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक करके ये बनाएगा और फिर ब्लास्ट होगा। इसमें ऐसा नहीं कर सकता मैं, इसमें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 4 हाइड्रोजन कंबाइन करके रखने हैं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनके कंबाइन करने के लिए मुझे 10^6 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और ऐसा कोई चीज नहीं है हमारे पास जो अपने टेम्परेचर को होल्ड कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई जहां भी आपको हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट करना है ना, आप वहां ट्रिगर करके भाग जाओ, इसलिए अपन हाइड्रोजन बॉम्ब बना के नहीं रखते, सिर्फ उसका टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो मतलब था कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हो गया। अभी के लिए दिस इज रेडियो एक्टिविटी फॉर अस, अभी रेडियो एक्टिविटी का बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन नेक्स्ट ईयर पढ़ते हैं चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में, उसके यूनिट्स क्या होंगे, रिएक्शन का रेट क्या होगा, हम कैसे कोई भी हमें अगर डायनासोर मिला हो तो उसको कैसे बताएंगे, उसका एज कितना है तो कार्बन डेटिंग से बताएंगे, अर्थ का एज कितना है तो रॉक डेटिंग से बताएंगे, तो वो सारा पार्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन को 12th क्लास में पढ़ना है। ये थोड़ा सा एमिशंस वाला पार्ट, एटम्स का आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन, किसी एक एटम को हम डिफरेंट एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारा पार्ट अपना दिया। एवरीबॉडी गॉट इट? तो ये रेडियोएक्टिविटी वाला पार्ट था अपना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट अपना खत्म। अब अपन होमवर्क कर सकते हैं या आपका कोई डाउट, होमवर्क में ही डाउट्स होंगे आपके, तो वो डाउट्स आप बता दोगे, अपन डाउट्स डिस्कस कर लेंगे भाई होमवर्क वाले पार्ट का। तो
एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर लेते हैं, अपन और डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अपने डाउट्स बताओ सर, श्रोडिंगर इक्वेशन के क्वेश्चंस। हाँ, अपन पहले ना श्रोडिंगर इक्वेशन के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, चलो अपने शीट में भी अपने पास काफी क्वेश्चन होंगे, अपन देखते हैं। हाँ? एक मिनट रुको, अपन देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सरसाइज। ठीक है, इतने सारे शीट कहां से आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अपने पास। चलो भाई, पहले अपन क्या करते हैं, अपन श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड ना मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस और दे सकता हूं, पर उससे पहले अपन क्या करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के क्वेश्चंस के लिए शीट में जो क्वेश्चंस हैं अपन उनको देखते हैं कि जो आपने मैंने आपको पढ़ाया उससे कैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसमें अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन को ये आइडिया लग जाएगा कि आपने जो हमें पढ़ाया है उससे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना वो अपने सिलेबस में बस थोड़ा सा लिमिटेड पार्ट है, उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे अपन तो बहुत ज्यादा अपन को मैथ्स यूज करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक्सरसाइज वन पे चलते हैं। आ जाओ भाई एक्सरसाइज वन पे, आप शीट निकाल दो सब लोग, है ना, सब लोग शीट निकालो, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन वाले, ठीक है। शीट में आप एक्सरसाइज वन का एफ सेक्शन निकालो, एक्सरसाइज वन के पार्ट वन का एफ सेक्शन, ठीक है। एफ सेक्शन में जो अपने पास गिवन है निकालो सब लोग ने एफ सेक्शन, ठीक है। अब एफ सेक्शन में अपने पास गिवन है दैट इज एफ वन, तो श्रोडिंगर इक्वेशन बताना है आपको, तो 8 पाई स्क्वायर एम होना चाहिए, सी इज द आंसर, बता देंगे अपन, वो तो इक्वेशन था उसमें कोई डाउट नहीं था अपन को। द मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी इन 1s ऑर्बिटल्स अकर्स एट अ डिस्टेंस आर नॉट इज बोर रेडियस, तो आर नॉट इज बोर रेडियस आपने बताया तो था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, आपने तो ग्राफ में भी बताया ऐसे बना के, ऐसे करके बताया तो था आपने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ए नॉट दैट इज 0.52 से नहीं ना करना लिख के तो बताया था, ठीक है भाई। फिर ये ग्राफ, अच्छा ऐसा ग्राफ जो है तो आप जो ग्राफ बना रहे हो आप ऐसे बनाते हो ग्राफ को, तो आपने पहले ही बताया था कि भाई मैं एक ही क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा आपको, चारों क्वाड्रेंट नहीं पढ़ाऊंगा, तो ऐसा वाला ग्राफ आपने किसके लिए बताया था, इसमें अपन को शाही स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बताना है, तो अपन बता देंगे भाई ये तो आपने इसके लिए बताया था, और शाही स्क्वायर वर्सेस आर में अपने ऐसा ग्राफ किसके लिए बताया था आपने, आपने कहा था मैं एक ही क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, इधर चारों क्वाड्रेंट लिखो, आपने इस क्वेश्चन में दो क्वाड्रेंट दिखाए, तो अपन कहेंगे ऐसा ग्राफ किसके लिए बनाया था, तो अपन कहेंगे देख भाई एक बात तो पक्का है कि इधर से मैक्सिमम न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताई, इसका मतलब ग्राफ तो एस का है, ग्राफ तो एस का है, नोड इसमें कितने आ रहे हैं, एक नोड भी आ रहा है तो एन माइनस वन हो जाएगा भाई, नोड बता दो, क्योंकि एन माइनस एल माइनस जीरो, अपन एल माइनस वन लिखते हैं नोड्स, तो ये तो पक्का हो गया कि एस का ग्राफ, तो एल का वैल्यू तो जीरो होता है, तो मैंने सीधा एन माइनस वन लिख लिया था, एक नोट है ना उसमें, हाँ जी भाई एक ही नोट है, तो टू एस हो गया, टू माइनस वन, तो ये वाला ग्राफ वन एस के लिए हो गया, ये टू एस के लिए हो गया, इसने दोनों क्वाड्रेंट में बताया, आपने कहा था मैं एक क्वाड्रेंट में बताऊंगा,
सभी क्वाड्रेंट में, इसमें भी मैं वैसे ही लिख सकता हूं, इसमें भी मैं वैसे ही लिख सकता हूं, इसमें भी मैं वैसे ही लिख सकता हूं, ठीक है। आपने पहले ही बता दिया था क्लास में कि आप ऐसे कर सकते हैं, अब ग्राफ के बाद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द डी एक्स वाई ऑर्बिटल इज बिटवीन द एक्सेस, क्योंकि डी एक्स वाई तो आपने ऐसे बनाया था, ये एक्स बताया था, ये वाई बताया था, आपने कहा था डी एक्स वाई इज लाइक दिस, इट इज बिटवीन द एक्सेस, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी, बिटवीन द एक्सेस। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ, अलोंग द एक्स एक्सेस, नो नो वहां तो लोब्स है ही नहीं, अलोंग वाई एक्सेस वहां भी लोब्स नहीं है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द एक्स एंड वाई एक्सेस, हाँ वो करेक्ट है, इसको 45 डिग्री करोगे या इसको 45 डिग्री करोगे तो वो बन जाएगा, बाकी गलत था। 3PY has how many nodes? Nodal plane. Nodal plane पूछा ना? Nodal plane is equal to value of L. एक ही nodal plane होगा। 3PY है। हाँ तो भाई ठीक है। PY मतलब आपका y axis ऐसे ले लेना। P तो यही रहेगा। तो nodal plane कौन सा होगा? इससे perpendicular। और इससे perpendicular ये अगर y है, तो इससे perpendicular ऐसे x होगा और ऐसे z होगा। They are 90 degree to each other. तो एग्जैक्ट प्लेन। 3p ऑर्बिटल हैज क्या लिखा है इसने? टू स्पेरिकल नोड, वो तो फॉर्मूले मुझे पता है, ये स्पेरिकल है या रेडियल, और रेडियल एंगुलर नोड्स नो दैट इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल, आपने 3p बोला तो p के लिए तो l का वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। और 3p के लिए 3 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, जो चाहो पूछ लो, आपने बताया था क्लास में। बाकी आप बता सकते हो। F7 की बात करते हैं पर। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर मॉडल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज एज पार्टिकल ओनली वेव ओनली पार्टिकल एज वेल एज वेव साइमल्टेनियस समटाइम्स पार्टिकल समटाइम वेव, अपन तो कहेंगे आपने बार बार मुझे हिट कर करके बताया कि कभी भी किसी में ना तो 100% वेव कैरेक्टर होता है और ना ही 100% पार्टिकल कैरेक्टर, दोनों को बताना पड़ेगा चाहे कोई भी स्टडी हो। पहले ही अपन ने पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स विच एक्सप्लेन्स अबाउट द पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। Consider the following. अब F8 की बात कर रहा हूं, ठीक है F8 की बात कर रहा हूं मैं, तो अपन चेक कर लेते हैं भी उसमें F8 में क्या है। F8 में गिवन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द xy प्लेन ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर ऑर्बिटल इज 0 dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, नो नो xy प्लेन में तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मतलब हो गया ऑर्बिटल इज ऑन द x एंड द y एक्सिस। जीरो नहीं होगा, जीरो का तो बिटवीन द प्लेन्स होगा, इट्स रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन इन द डी जेड स्क्वायर इज 0, ये हो सकता है क्योंकि डी जेड स्क्वायर अपन ने ऐसे लिखा है और एक्स वाई प्लेन में ये रिंग था, तो अपन रिंग की वजह से मना भी कर सकते हैं, इसलिए वेट करेंगे। 2s ऑर्बिटल हैज वन नोडल सरफेस मतलब रेडियल नोड, तो n माइनस 1 करेक्ट है। फॉर 2pz द ऑर्बिटल द एक्स वाई इज अ नोडल प्लेन, दैट इज आल्सो करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अपन को लिखा हुआ है दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, तो अपन कहेंगे अपन को तो b ही आ रहा है बस, क्योंकि c वाले में अपन को गिवन है 2s ऑर्बिटल में कितना नोडल सरफेस, वन नोडल सरफेस का मतलब स्पेरिकल नोड, और स्पेरिकल तो n माइनस 1 हो जाएगा l के लिए, सो 2 माइनस 0 माइनस 1 हो गया तो 1 आ रहा है। इसमें क्या लिखा है, इट हैज वन रेडियल नोड, करेक्ट है। और 2pz के लिए अपन ने अभी तो बताया भाई pz अगर ये z एक्सिस है तो ये x होगा और y ऐसे होगा,
तो नोडल प्लेन जेड के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन, तो वो तो लिखा ही था। तो आंसर में अपन कहेंगे बी वाला गलत हो गया। क्यों हो गया बी वाला गलत? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ये डी जेड स्क्वायर था, एक्स वाई प्लेन में जो ये रिंग बनाते हो ना आप ऐसे परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, और वहां अपन प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं बोल सकते, वरना वो रीजन को आप शो ही मत करो। दैट्स व्हाई वी से दैट इसमें नोडल कौन होता है, नोडल सरफेस। ठीक है, अब F9 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल्स हैज अ डगनट शेप, डगनट शेप मतलब ये डगनट है, यही तो इसी को बोलते हैं, एक रिंग है और ऊपर एक पार्ट है और नीचे एक पार्ट है, डी जेड स्क्वायर बोलते हैं डगनट शेप। द परमिसिबल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव आइडियल ऑफ थ्री क्वांटम नंबर, दैट गिव्स अ आइडिया ऑफ थ्री क्वांटम नंबर्स एन एल और एम। इस श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने ड्राइव नहीं किया, ये अपन ने ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट किया ना, अपन को कुछ सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी तो गिवन है। पार्ट वन का एक मिनट रुक गया, पार्ट वन भी अपन कर लेता ना। एफ वाला अपन पार्ट वन को भी कर लेते ना सॉल्व, मैंने पार्ट टू का ऑब्जेक्टिव वाला पहले सॉल्व कर लिया, अब अपन पार्ट वन का एक मिनट अपन जी सेक्शन कर लेते हैं पहले। अच्छा जी सेक्शन अपन ने सॉल्व किया, डिस्कस किया, ई सेक्शन डिस्कस किया ना क्लास में, ठीक है। और एफ आप में कोई डाउट है एफ में, या मैं डिस्कस कर दूं? कोई डाउट डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस और आगे ना आप अपने आप थोड़ा सा कर लोगे। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन द 5s, भाई देखो रेडियल नोड्स, ये मुझे बार बार चाहिए था, मैं इसको लिख लेता हूं रेडियल, यस पहली एन माइनस एल माइनस वन एंगुलर नोड्स एल के पहले, ठीक है। नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 5s, ये 5 है ये 0 है माइनस 1 4 आ गया, बी वाला। नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन 3d, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, 2 हो गया। द सम ऑफ द एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड, इन दोनों का सम बताना है 4d के लिए, एल का वैल्यू 2 है, 4 माइनस 2 माइनस 1, तो रेडियल तो 1 है और एंगुलर 2 आएगा, लो भाई 3 आ गया। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन द 3p, p के लिए एल का वैल्यू 1 हो गया। F2, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फाइंड्स इटसेल्फ इन द फोर्थ एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन एटम है, अब अपने दिमाग में तुरंत आ जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां पर है हाइड्रोजन एटम। चलो देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ ऑर्बिटल्स दैट माइट बी इन, कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। ये वन है सर, 2s is equal to 2p, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s less than 2s is equal to 2p, less than 3s is equal to 3p is equal to 3d, less than 4s is equal to 4p is equal to 4d is equal to 4f, similarly we can write like this, this is the electronic configuration for hydrogen atom। अगर मैं लिखूंगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो अपन देखेंगे एटॉमिक नंबर 6 होते हैं कार्बन का, 1s2,
2s2 2p2 अब खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन्स। 3s = 3p = 3d 4s = 4p = 4d = 4n अच्छा इसका मतलब है जहां जिस ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां तक तो मुझे एनर्जी में डिफरेंस बताना है, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है या जिस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है। इसमें सिर्फ 1s में इलेक्ट्रॉन था इसलिए मैंने सभी ऑर्बिटल सभी शेल्स में सभी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम बताया, लेकिन इसमें क्या था 2p तक इलेक्ट्रॉन था तो मैंने 3s से उनका एनर्जी सेम बताया। फिर शेल रूल को फॉलो किया, कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4n उनकी एनर्जी सेम फॉर एटम्स। ये था अपना ए वाला पार्ट। कैन इट बी इन ऑल ऑफ दीज ऑर्बिटल्स एट वंस नहीं, राइट डाउन द लिस्ट ऑफ ऑर्बिटल दैट माइट बी इन। कैन इट बी इन ऑल दीज ऑर्बिटल्स एट वंस, कैन यू टेल विच ऑर्बिटल इट इज इन। विच ऑर्बिटल किसी में भी हो सकता है, फोर्थ शेल तो 4s में भी हो सकता है, 4p में भी हो सकता है, 4d में भी हो सकता है, 4n में भी हो सकता है। शेल रूल फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉन है, अब इसके बाद मैं ऑर्बिटल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, दे विल बी सेम। नाउ द क्वांटम नंबर्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Ni प्लस 2 आयन इफ द एटॉमिक नंबर इज 28। ठीक है, आई थिंक एवरीबॉडी नोस दैट आर्गन यहां तक तो कंप्लीटली फिल्ड ही होगा, 3d8 तो Ni अगर प्लस 2 लिखूंगा तो पहले फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन हटाओगे, इट बिकम 0, तो फिर जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी में होंगे बस, क्योंकि आपने प्लस 2 लिखा तो मैंने फोर्थ शेल से हटाया इलेक्ट्रॉन। और d8 का मतलब है वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट 8 इलेक्ट्रॉन ना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उसके बाद पेयरिंग शुरू करता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 unpaired electrons. Give the electronic configuration of the element having the atomic number 56. आपको प्रिंसिपल लिखो, बता दो वो ऐसे दो बार एक एक दो बार दो दो। Shall I write for you? ऐसे लिखा था ना अपने electronic configuration. 56 बताना है ना? ये लो. 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 3d, 4p, 4d, then I can write that 5s, 5p, 6s. दो बार एक है, दो बार दो दो, दो बार तीन तीन, मेरे ख्याल से यहां तक फिल हो जाएगा। तो इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर 8 हो गया, इधर भी 8 हो गया, इधर 18 हो गया। एक बार चेक कर लेता हूं, ये 20 हो गया था और 18 हो गया तो 38 हो गया, 38 प्लस 14 तो 38 प्लस 14 42 प्लस 10 52 तो ये लगा यहां पे, ये अपने लिए कॉल करता हूं। G3 में गिवन है अपन को, गिवन ब्लो आर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, नेम दीज ऑर्बिटल्स, वेरिएबल करेक्ट, ये तो अपने क्लास में काफी डिस्कस किया। अपन को n का वैल्यू गिवन है 3, l का वैल्यू गिवन है 1, तो थर्ड शेल में p, क्योंकि l का वैल्यू p के लिए 1 होता है, तो ये a हो गया। b वाला क्या गिवन है अपन को, n का वैल्यू 5 और l का वैल्यू 2, मतलब 5d की बात कर रहा है, बाकी आपको पता है। पॉइंट आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन l, अब मैं इस पर आता हूं, ठीक है ना, कुछ कुछ पार्ट ऐसे होता है कि मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप अपने आप करोगे ना, उसके बाद फिर जब आपसे नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछोगे सर मतलब ये कैसा आएगा, तो पहले ना एक बार अपन ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट आप कर सकते हो। देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ
ऑफ ऑर्बिट। यस सर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, मतलब इसको ऑर्बिटल लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एल इन टू एल प्लस टू एल प्लस वन एच बाई टू पाई। एच बाई टू पाई को मैं वो डायरेक्ट एच भी लिख सकता हूं। स्पिन एंगल, दैट इज एम स्पिन डिनोट करता है अंडर रूट ऑफ एस इन टू एस प्लस वन एच बाई टू पाई, जहां एस का वैल्यू 1 बाई टू ही होता है बस। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम वो होता है प्लस माइनस, दैट इज वी कैन राइट दैट 1 बाय 2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड। जैसे अभी अपन ने Ni प्लस 2 लिखा था ना, तो उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बना देता। ठीक है, फिर अपन लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, तो अपन इस पर से लिख अंडर रूट ऑफ एन इन टू एल प्लस टू बी, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बोर मैग्नेटॉन ना, वो पैरा मैग्नेटिक एटम है या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है तो जीरो, पैरा मैग्नेटिक है तो अपन मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं। इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट मेरा, जैसे अब इधर देखते हैं अपन कैसे, एक एक कैलकुलेशन भी बताऊंगा। फिर एक होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है दैट इज टू इंटू समेशन ऑफ एस, प्लस वन। तो एक बार मैं सबको बता देता हूं आपको, ऑर्बिट का मतलब हो गया भाई आपको किस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, इस टाइप से। ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि आप एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो एल का वैल्यू जीरो हो गया, पी की बात करोगे तो वी नो दैट, डी की बात करोगे तो एल का वैल्यू वी नो दैट टू हो जाएगा, और एफ की बात करोगे तो एल का वैल्यू थ्री हो जाएगा। वो कैलकुलेट करके अपन बता देंगे, और अपन को पता है कि एच बाय डायरेक्ट एच इज एच बाय टू पाई, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी बात स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में एस का वैल्यू इज इक्वल टू वन बाय टू ऑलवेज, मतलब ये ना एक इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रहा है वो बताते हो आप, स्पिन एंगुलर मोमेंट वो इस पे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब हो गया कि भाई कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो अपन को बता रहे हैं। अगर ये वैल्यू है तो ये वैल्यू पक्का होगी, क्योंकि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, ये यूनिट ऑफ मास का। अब अगर इधर n का वैल्यू 1 है, मैग्नेटिक मोमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, हटा दूं इसको, है ना। फिर मैंने तो सिर्फ इसलिए लिखा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कब लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सारे एक साथ कंपाइल करके लिखे। अदरवाइज मैंने ये आपको बोर थ्योरी में बताया, ये आपको क्वांटम नंबर्स में बताया, ये भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बताया, ये आपको मैंने बताया ही नहीं होता, ये मैंने आपको पैरामैग्नेटिक में बताया, ये मैंने आपको बताया नहीं होता। और अगर ये वर्ड भी आपको मिलते हैं तो आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक साथ बताया। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, मोमेंट ऑफ एटम इफ एन इक्वल टू वन, तो मैग्नेटिक मोमेंट को ना म्यू से डिनोट करते हैं, ये जो होता है म्यू से डिनोट करते हैं,
म्यू का वैल्यू 1.73 आएगा बी, अगर एन का वैल्यू 2 है तो ये 2.87 होगा। अब वो यूनिट नहीं लिख रहा मैं, अपन को यूनिट पता है वीएम होगा। अगर एन का वैल्यू 3 है तो दिस विल बी 3.9, अगर एन का वैल्यू 4 है तो दिस इक्वल टू 4.87, अगर एन का वैल्यू 5 है तो इट विल बी 5.85। अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू गिवन है ना तो इस तरफ स्क्वायर करके अपन तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है, लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है तो अपन कहेंगे भाई डेसिमल के पहले वाले नंबर जो है ना वही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। डेसिमल से पहले वाला नंबर जो है ना वही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर मैग्नेटिक मोमेंट मुझे गिवन है किसी एटम के लिए तो मुझे पता है कि उस मैग्नेटिक मोमेंट में जो भी डेसिमल के पहले वाला नंबर है वही उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सपोज करता है तो क्वेश्चन, इसमें तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाले अपन से, अपन को डायरेक्टली इसमें तो एल का वैल्यू पता होना चाहिए, सब शेल के लिए पूछेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले अपन को। माइनस हो नहीं सकता क्योंकि एस का वैल्यू या तो प्लस 1/2 होगा या माइनस 1/2 होगा। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे अभी निकल प्लस 2 में था। अब मेरे पास इसमें जो क्वेश्चन अपन से ऐसे पूछ सकते हैं, देखो मेरे पास ऐसे क्या बना है, इसमें मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और Fe एटम द नंबर ऑफ, मैं n प्लस लिख लेता हूं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं x कर लेता हूं x प्लस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस आयन। अब ये लिखोगे तो आयन भी बताना पड़ेगा, आयन द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 5.85, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा Fe में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो कितने हैं। तो अपन पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 26 होता है, Ar कंप्लीटली फिल्ड है, ये 4s2 होगा, 3d6 होगा, why it is so, atomic number is 26 ना, atomic number of Fe is equal to 26। अगर किसी को डाउट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो वो देख सकता है, हाफबॉ प्रिंसिपल अपन ने दो बार पढ़ा हुआ। अब अपन क्या करेंगे, देखो भाई ये तो Ar है, इसको तो भूल ही जाते हैं, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इसको और इसको लिखते हैं, ये 4s और ये d6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। मुझे ना 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे बनाऊं, तो मैं कहूंगा एक इलेक्ट्रॉन हटा दो इससे, 5 हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपन कहेंगे भैया 4s से पहले d से कैसे हटाऊं, पहले तो 4s से हटाना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है इन दोनों को हटा दो और इससे एक माइनस वन कर दो, तो आपने टोटल कितने हटा दिया, क्योंकि इन दोनों को पहले हटाना पड़ेगा फिर इससे हटाऊंगा, क्योंकि अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाया, एक इलेक्ट्रॉन इससे हटाया तो 5 हो जाएंगे, एक अनपेड इसमें हो गया, 4 इसमें हो गए। तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो मैं x का वैल्यू 1 बता सकता हूं, पर अपन को पता है आयरन का 1 तो होता ही नहीं, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि आपने ये थोड़ी कहा, आपने कहा था मैग्नेटिक मोमेंट इतना होना चाहिए, चलो बता देंगे हमें क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपने मुझे ये बता दिया ना कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकाल लें, s से, चलो एक निकालता हूं, 4 इसमें पहले से हैं, एक निकाल देता हूं तो हो जाएगा, तो x का वैल्यू मैं 1 बता सकता हूं या फिर मैं x का वैल्यू 3 भी बता सकता हूं, कैसे, दो इनको निकाल दो और एक इससे निकाल दो तो Fe प्लस 3 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू मैं 1 भी बता सकता हूं और x का वैल्यू मैं
थ्री भी बता सकता हूं, दोनों ही मेरे आंसर होंगे अगर दोनों के गलत। समझ में आया? इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे अपन को? इस टाइप से अपन से इसके नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करवाएंगे कि बताओ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो। रिवर्स भी पूछ सकते हो आप, Fe3+ गिवन है मुझे, बताओ कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, Fe3+ है मतलब आपने दो ये निकाले होंगे, एक ये, पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, हो गया। और अगर Fe के लिए अपन को ये कैलकुलेट करना है टोटल मैग्नेटिक स्पिन, तो अपन कहेंगे अच्छा आयन की बात नहीं करनी है ना, तो Fe के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक दो तीन चार बस, क्योंकि 4s2 3d6 का मतलब है चार अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, फोर से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड बाय टू कर, 1 by 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम विल बी इक्वल टू 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है उसमें एटम के लिए। अब अपन कहेंगे ठीक है अच्छा बता दिया आपने, कोई बात नहीं मुझे पता चल गया। अब अपन कहेंगे अच्छा मेरी मर्जी, आप मुझे अब ये तो बता दिया आपने कितना होगा, तो भाई एटम के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेट करके बता दूंगा। और अगर Fe3+ के लिए बताओगे तो Fe3+ का मतलब ये दोनों हटा दिया, एक इससे हटा दिया, फिर तो पांच हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर तो मैं इसको 5/2 लिखूंगा अगर Fe3+ के लिए पूछा तो। भाई Fe3+ के लिए तो ऐसे हो जाएगा, अच्छा इसको लिखा नहीं तो वो तो एटम के लिए Fe3+ का मतलब ये आ गया, ये Fe3+ है, तीन इलेक्ट्रॉन हटाए, दो इससे और एक इससे, अब पांच बचे। तो अगर आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+ पूछोगे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन Fe3+ में कितने, पांच, तो 5/2 करो, ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ Fe एटम दोनों पॉइंट अपन को बिल्कुल क्लियर है। समेशन ऑफ एस का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन का अपस्पिन है और कितने इलेक्ट्रॉन का डाउन स्पिन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपस्पिन। इनटू वन बाय प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद डाउन स्पिन, और डाउन स्पिन तो मल्टीप्लाई में -1/2 लिखूंगा उनके लिए। अब देख 18 इलेक्ट्रॉन में तो नाइन अपस्पिन होंगे और डाउन, भाई ये तो सारे के सारे फिल्ड हैं, ऑर्बिटल सारे फिल्ड है ना, नाइन अपस्पिन होंगे और नाइन डाउन स्पिन होंगे, ठीक है बाकी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपस्पिन वालों को काउंट करते हैं पहले, अपने अपस्पिन पहले लिखा है, दोनों प्लस करना है, वैसे किसी को भी पहले लिखो हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एडिशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, नाइन अपस्पिन होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अप डाउन स्पिन कर लेते, 9 तो इसमें होंगे 18 में डाउन स्पिन वाले, तो अब 9 के बाद 10 और एक 11, कितना आ गया 15/2 -11, ये लो आपके पास इसका वैल्यू आ गया, देख लो आपको अगर कोई डाउट होगा तो बता देना सर इसमें डाउट है। समझ में आया ना,
क्या करना है अपन को बता देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं बता देते हैं। वैसे हमने बहुत बड़ा आइटम ले लिया, कोई एक छोटा आइटम लेता है, जैसे मान लो अपने पास कार्बन है, तो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन, 1s2। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये 1s2 है, ये 2s2 है और ये 2p2। तो समेशन एस कितना आएगा अपने पास, तो अपन कहेंगे भाई अपस्पिन देख लो कितना है, 1/2 इंटू कितने है, 1, 2, 3, 4 प्लस 1/-1/2 × 2 मतलब मेरे पास आ गया ये 4/2 तो 2 हो गया और ये 2/2-1 हो गया, इज इक्वल टू 1 आया। तो इसका मतलब है कि भाई हमारे पास ये कितना आ गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी ना, will be equal to 2 into summation of s plus 1, so 2 into 1 ये summation था plus 1 is equal to 3 आ गया, मतलब spin multiplicity is equal to 3 आ गया। तो यहाँ भी कर देता हूँ, ये आपने दिया तो इसको 2 से multiply करता हूँ, 1 add कर देता हूँ, आंसर आ गया। ठीक है भाई, हमें मैग्नेटिक स्पिन पता चल गया, सारे मैग्नेटिक जहां भी वर्ड यूज होंगे स्पिन और मैग्नेट सारे के सारे आपने बता दिए मुझे कि किस टाइप से मुझे सॉल्व करना है, किस वर्ड का कब क्या मीनिंग होगा और मुझे कैसे सॉल्व करना है, ये सारा पार्ट आपने बता दिया एक साथ कंपाइल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 4s ऑर्बिटल 0। s ऑर्बिटल में तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा ना, इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल पूछोगे तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल तो क्या होगा, l into l plus 1 h/2π। तो इधर a वाले पार्ट में 4s के लिए तो l का वैल्यू 0 हो जाएगा, 3p वाले पार्ट में l का वैल्यू 1 हो जाएगा इसमें, और फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल सी में तो अपन लिखेंगे फोर्थ ऑर्बिट, तो ऑर्बिट के लिए तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr is equal to nh/2π, तो इसमें तो हो जाएगा ns4 फोर्थ ऑर्बिट के लिए h/2π हो जाएगा। अब आप चाहे इसको कैंसिल कर दो 2 से, सो यू कैन राइट दैट 2h/π, या फिर आप लिख सकते हो दैट इज 4 × h/π 2π। चलो अपन बात करते हैं, अब बाकी एल एम वाले ना G5 आप सॉल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल से G6 भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने वेरी क्लियरली बता दिया आपको, अब G6 भी आप सॉल्व करोगे। अब अपन चलते हैं किस पे, एक्सरसाइज 2 पे। अब मैं ना एक्सरसाइज 2 में एक काम करेंगे, मैं कुछ कुछ पार्ट आपको मतलब सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ, तो आप सॉल्व करके बताना मुझे, क्योंकि इसमें बाकी ऐसा जितना मैंने अभी मैग्नेटिक स्पिन वाले पार्ट बताया ना, इससे आपके सारे क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट वाले सॉल्व हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और बताना पड़ेगा। अब एक मिनट रुकना है, आप निकालो पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 12 निकालो। पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, द वेव फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन। ठीक है भाई, इसमें अपन बना एक ऐसा ना अजीब सा इक्वेशन गिवन है, ये अजीब सा इक्वेशन ही सबसे ज्यादा इजी होता है। इसमें मुझे गिवन है 1/4√2π जेड टू द पावर ऑफ 3/2, फिर मुझे गिवन है 2-ZR e^2 ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है मुझे 2s ऑर्बिटल के लिए, ये वेव फंक्शन है, अपन को याद है ना ऐसे लिखा था ऑर्बिटल वेव फंक्शन, मल्टी रेडियल वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेव फंक्शन। ये अपन को ना n का वैल्यू ये 2 गिवन है अपन को, और ये s है ना ये 0 गिवन है, तो इसके लिए 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अपन को पता है क्या हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होगा,
The wave function of the atomic orbital of hydrogen-like atom is given as, ठीक है? Given that the radius is in angstrom unit, चलो चलेगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा? Then which of the following is radius for nodal surface of helium ion? Nodal surface का मतलब? This will be equal to zero. भाई node की बात करोगे तो वहाँ wave function हो गई कहाँ? Node की मतलब इसकी बात कर रहे हैं ना आप तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? This is equal to zero. अगर आप ये zero लिखोगे तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो हो गया, डिवाइड किया जेड से, और कि जीरो को किसी से भी डिवाइड करो, ऐड करो, कुछ भी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, रिमेन जीरो, बिकॉज आप नोड की बात कर रहे हैं। तो बचा क्या मेरे पास, ये जो ब्रैकेट में था इसी को नहीं कर सकता था मैं, इसको भी जीरो से उधर कर देते हैं, तो ये बचा मेरे पास टू माइनस जेड आर, ये बच गया मेरे पास, बस बाकी सब खत्म। जितने भी क्वेश्चन अपन से पूछे जाएंगे उसमें ऑर्बिटल में नोड जरूर पूछते हैं, नोड के बारे में पूछेंगे तो ये वाली जीरो कर दो, जो राइट हैंड साइड पर ब्रैकेट रहा होगा बस वही बचेगा अपने पास, बाकी सब खत्म। उसमें थोड़ा सा मैथ लगा लेंगे, ये जीरो हो गया तो मेरे पास आ गया टू इज इक्वल टू जेड आर, जेड का वैल्यू फॉर हीलियम आयन, ये बचा अपने पास फॉर हीलियम आयन जेड इक्वल टू टू, देयरफॉर आर इक्वल टू वन, ये मेरा आंसर आ गया, वन एंगस्ट्रॉम यूनिट आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखने में डर लग रहा था इससे, ठीक है। अब अपन चलते हैं, कोई बात नहीं, पार्ट थ्री में आप सारे सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्ट थ्री पूरा सॉल्व करो आप पार्ट फोर में। पार्ट फोर के पेज नंबर पे आओ आप, मैं आपको बताता हूँ मतलब कैसे, ये सारा पार्ट ना अपन थ्योरी में एकदम डायरेक्टली तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आप मुझे पेज नंबर 56 इस पे आ जाओ, अपना क्लास का टाइम हो गया तो फिर रुक जाते हैं, फिर मैं अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा अभी इनके। आपका होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए है, मैं आपको होमवर्क बता देता हूं नेक्स्ट क्लास के लिए, होमवर्क लिख लो आप, एक्सरसाइज वन कंप्लीट मैंने कर पाई दिया, एक्सरसाइज वन कंप्लीट, वैसे कंप्लीट ही है अपना, क्योंकि सेक्शन लास्ट वाला सेक्शन जी एफ और जी मैंने करवा दिया अभी, वो कंप्लीट ही है, लेकिन जो भी अगर क्वेश्चन दो तीन बचे हुए थे वो आप कंप्लीट करो। एक्सरसाइज टू से पार्ट वन मैंने आपको पहले दिया हुआ था, टू और थ्री आप लिखो सॉल्व करो, मैं डिस्कस करूंगा इसको। मैंने पार्ट फोर इसलिए नहीं किया, आप इसमें पार्ट फोर का कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें वन टू एंड थ्री, फोर्थ वाला छोड़ देना क्योंकि वो श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड है, वो होता तो बड़ा इजी है, लेकिन मैं पहले एक बार खुद कैलकुलेट करवाना चाहता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आप सर कैलकुलेट करोगे, होते बड़ा इजी है ये, लेकिन फिर भी मैं एक बार खुद कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ आपसे, ताकि हाउ टू सॉल्व आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ना, अब आपको लग रहा होगा अच्छा तो बड़ा इजी था, तो वो कॉन्फिडेंस आने के बाद जब आप सॉल्व करोगे ना तो फिर मजा आएगा आपको, अभी आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट वाले क्वेश्चन में आपको काफी डाउट होता है अगर मैं कंपाइल नहीं करता तो, अब आप सॉल्व करोगे आपको क्वेश्चन सॉल्व, ये आपका होमवर्क, बहुत सारा पार्ट इसमें कर चुके आप हैं, ये वाला तो मैंने पहले ही दे रखा था, ये छोटे होते हैं काफी, इसमें 10 टू 15, इसमें मैक्सिमम 10 और बाक्री ये 6-7 क्वेश्चन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम एवरीबॉडी।